आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। मैं आपके साथ आज तान्या। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित रामजी मिश्र। जैसे कि पहले आपने शुक्र ग्रह के बारे में पंडित जी से जाना और आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि जातक की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपने पहले शुक्र ग्रह के बारे में बताया था, आज हम जानना चाहेंगे कि शनि ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। ओम सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्त्रवन्तु नः नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि सनेश्वरम। और आज हम सबसे बड़े ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं, जो ग्रह शनि देव। शनि देव ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रहों में है और सबसे दूर शनि की कक्षा है, लेकिन शनि का प्रभाव हमारी धरती पर सबसे तीव्र गति पर पड़ता है। शनि ग्रह के बारे में अभी तक हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान शनि के विषय में जानने का प्रयास या पूर्ण रूप से कहते हैं हमने समझ लिया, लेकिन शनि को आज तक कोई भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जो दंडाधिकारी हैं, जो दंड देने का साहस समस्त प्राणियों को, समस्त जितने भी देव मनुष्य राक्षस यक्षगण सभी जीव जंतु सभी को दंडित करने का जो पावर है वो भगवान शनि के पास है। और शनि अगर प्रसन्न हो गए तो राजा भी बना देते हैं। शनि, आप सभी लोगों ने रावण के विषय में जाना होगा कि शनि को उल्टा लटका दिया था, लेकिन शनि की दृष्टि ने उनका सर्वस्व विनाश कर दिया। जैसे हनुमान जी ने आकर के शनि को उनके बंधन से मुक्त कराया है, रावण का सर्वस्व विनाश हो गया। इसलिए शनि को हल्का कभी भी समझना नहीं चाहिए। शनि ग्रह चमकीला ग्रह और सुंदर ग्रह है। शनि ग्रह की कक्षा सबसे दूर है, लेकिन प्रभाव सबसे तेज है। इसलिए जितने भी हमारे शरीर में पैर संबंधी रोग हैं, पैर टूटना है, पैर में दिक्कत है, अपंग हैं, शरीर से चलने में दिक्कत है, ये सभी शनि के प्रभाव से होते हैं। मनुष्य के जीवन में शनि तीन बार ही कुंडली में आ पाते हैं, तीन बार ही, जिसमें से दो बार भी शनि के आने से मनुष्य के जाने की संभावना हो पाती है। एक जन्म के समय, एक 30 साल की आयु में और एक 60 साल की, एक 90 साल की। 30 साल में ही जो अल्पायु मध्यायु में चले जाते हैं वो शनि के पहले ही चरण में चले जाते हैं, और दूसरे तीसरे चरण में तो इस कलयुग में बहुत ही कम ही ऐसे प्राणी होंगे जो तीसरा शनि का आगमन झेल पाते होंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव हर एक मनुष्य पर बहुत तीव्र गति से पड़ता है। और अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि शनि के प्रभाव से हम कैसे बचें। तो शनि अपने पूर्व जन्म का भी, मनुष्य के पूर्व जन्म का भी जो दंड है वो शनि देवता इस जन्म में दे देते हैं। इससे मनुष्य को आभास नहीं हो पाता कि हम कुछ गलत कर भी नहीं है रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या आ जा रही है, क्योंकि शनि पूर्व जन्म का भी दंड इसी मानव योनि में ही प्रदान कर देते हैं। इससे शनि से बचने के बहुत सरल उपाय हैं। आप बुजुर्गों की सेवा करें, आप जिनके पैर में समस्या है उनको दान करें, खिचड़ी का दान करें, छाया दान करें, अपना चेहरा तेल में देख करके, अगर शनि कुंडली में अरिष्ट है, रुष्ट है, तो आपको ये सभी दान करना पड़ेगा, जिससे शनि अच्छा हो गया तो आपको स्वस्थ रखेगा, आपको सब कुछ प्रदान करेगा। लेकिन शनि अगर अरिष्ट हो गया
तो सब कुछ जितना हमने संचित धन है जो भी हमारे पास है वो सभी कुछ शनि अपनी दशा में ले लेते हैं। इसलिए शनि से प्रभाव से सदैव बचना चाहिए, और उनसे बचने का सबसे सरल उपाय है आपको किसी दूसरे को ठगना नहीं है। अगर आप किसी दूसरे से धन ले ले रहे हैं चुपके से, या आप दूसरे का धन हरण कर ले रहे हैं, या किसी को मार के आप धन ले रहे हैं, तो वो सब शनि अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं। या आप को जहाँ पर कुछ पैसा मिलने की उम्मीद है आप छल से अधिक पैसा ले लेते हैं, या किसी को सता करके आप उनकी वस्तु को हरण कर लेते हैं, तो आप शनि के दंड से बच नहीं सकते हैं। कहीं भी आप रहें, कहीं भी चले जाएं, इसलिए शनि से बचने के उपाय हर एक मनुष्य को करना चाहिए। और शनि की बचने के लिए ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला अगर पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ की बीच वाली मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, और अगर स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ की उंगली में लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। अगर और भी अधिक उपाय चाहते हैं तो शनि के छाया दान करें, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो शनि राहु के सभी के प्रभावों से बचाते हैं। हनुमान जी ने ही शनि को रावण के यहाँ से छुड़ाया था, इससे हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। पंडित जी, आज 16 फरवरी है, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा राशिफल? वर्तमान में हमारी राशियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी राशि क्या प्रभाव लेकर के हमारे जीवन में आ रही है, तो सबसे प्रथम राशि की चर्चा करेंगे, मेष राशि। मेष राशि जो अभी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेष राशि वालों का, आने वाला समय बेहतर होगा। बृहस्पति की पूजा आप करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं आपकी हो सकती हैं, और आप अपने घर में किसी आने के, आपके घर में किसी मेहमान के आने के भी संकेत मिल रहे हैं, इससे आप आज के दिन प्रसन्न मुद्रा में होंगे और आपका समय बहुत अच्छा है। तांबे की अंगूठी या हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन आप करके अपने दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं। चर्चा करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, किसी प्रकार का मानसिक तनाव न लें, क्योंकि आप किसी अपने संबंधी या दूर संबंधी के जाने के उसमें थोड़ा सा परेशान होंगे, इसलिए आप अपने मन को शांत रखें, किसी मंदिर में चले जाएं या आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ के अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। यात्रा के योग चल रहे हैं जिससे आपको आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बने हुए हैं। और अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातक, भाई से किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, उनके मन पूजा पाठ में थोड़ा कम लगेगा, मन अशांत रहेगा, और लाभ के योग दिख रहे हैं, कहीं से आपको धन लाभ का भी योग बना हुआ है, धन लाभ हो सकता है। आप अपने हाथ से किसी गाय को चारा खिला करके या गणेश जी के मंदिर में जा करके गणेश जी को दुर्वा चढ़ावें और गणेश चालीसा का पाठ करके आप इन दिनों को अच्छा बना सकते हैं। चर्चा करेंगे हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातक मानसिक तनाव से इस समय थोड़ा सा परेशान रहेंगे,
किसी भी प्रकार से उनके कमर में या दांतों में पीड़ा होने की संभावना बहुत तेज है। इसलिए आप प्रयास करें, कहीं लंबी दूरी की यात्रा ना करें और यात्रा से बचें और अपने दांतों पर विशेष ध्यान दें। आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ दिनों के बाद ये समस्या आपकी कम हो जाएगी और आपका जो बहुत अच्छा समय वो आने वाला है। चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों के लिए कहीं मंदिर में जाकर के कोई वस्तु वहां पे दान करें या मंदिर में जाकर के भगवान शिव की आराधना करें। आपका समय आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। वर्तमान समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको सता सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग भी आपके बने हुए हैं, जो रुके हुए काम आने वाले समय में बहुत पूर्ण होंगे। वर्तमान समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बृहस्पतिवार का व्रत कर लें या बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों का इस समय बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले समय में थोड़ा सा अगर ड्रिंक आप लेते हैं तो थोड़े दिन के लिए उसको बंद करें। किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु या नशे संबंधी जो भी चीज़ें आप ग्रहण करते हैं उनको थोड़ा कम करें, क्योंकि बृहस्पति की आपके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहेगा और ये मादक वस्तुएं आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। इससे कन्या राशि वाले जातक जो पुरुष वर्ग हैं थोड़ा सा जो भी मादक वस्तु या पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको नहीं करना है। ये समय उनका बहुत ही अच्छा है और हरी वस्तुओं का दान बुधवार को करने से उनके जीवन में और भी सभी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि के जातक वाहन सावधानी से चलावें। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव अपने अंदर न रखें या अपने पार्टनर से झगड़ा न करें। अपने जीवन साथी से भी अच्छा तालमेल बना करके चलें। ये समय उनके लिए उन्नति का समय है और आने वाला समय उनके लिए और भी बेहतर होगा। इसलिए कहीं भी उनके नौकरी के योग या जो ऊंचाइयों को जाने के योग अभी वर्तमान समय चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भगवान की आराधना करें और सभी उनको सफलता प्राप्त होने का समय आ गया है। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आपका घर में मन नहीं लगेगा, शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनि का विशेष ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आपका कहीं लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जहाँ पे आप इतने दिन से विराजमान थे, पदासीन थे, वहाँ से हटने के योग चल रहे हैं। इसलिए पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने आने वाले समय को और भी बेहतर कर सकते हैं। इससे समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करते रहें। धनु राशि वाले जातक, आपका समय बहुत ही बेहतर है। बृहस्पति की आराधना करें, हल्दी डाल करके दूध पिएं। आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो अभी थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उन सबसे निपटने का समय आ गया है। आपका समय बेहतर होने वाला है, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर से उतर रही है। इससे जो आपकी परेशानियां थी उनसे आप निपटने के समय आपका चल रहा है और आपका समय इससे बेहतर, जो भी आप चाह रहे हैं वो सभी चीज़ें आपकी पूर्ण होंगी। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों। मकर राशि वर्तमान समय में धन की जो बहुत अच्छी गति आप चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रही है। शनि का पूजन करें, आपके पैर में घुटने में चोट लगने की भी संभावना है, जिससे आप वाहन सावधानी से चलाएं। कहीं भी
चले, बहुत सावधानी से चले, और कुटुंब के भी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है, जिससे आप हनुमान चालीसा या शनि देवता का पूजन करके अपने इस समय को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग या पढ़ाई के लिए दूर जाने के योग बने हुए हैं, जिससे आप घर से कहीं दूर जा करके रुक सकते हैं या आप शिक्षा अध्ययन के लिए जा सकते हैं। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि जिन पर अभी शनि का मध्य 7.5 का प्रकोप है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना है, इसे स्वास्थ्य के उनके शीघ्र उपचार करें, और समय बहुत अच्छा है, कहीं दूसरी जगह नौकरी या अगर आप चाह रहे हैं तो प्राप्ति की योग हैं। धन के भी बहुत अच्छे योग वर्तमान समय में चल रहे हैं। थोड़ी सी समस्या है 7.5 को लेकर के, जिससे अभी कुंभ राशि दांत में और घुटने में पीड़ा हो सकती है। धन जितना चाह रहे हैं उस उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी तक जो समय गड़बड़ चल रहा था, अब बहुत अच्छा होने वाला है, आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। धन कहीं से बड़े धन की प्राप्ति की योग चल रहे हैं, जो इसी समय में आने वाले समय में आपको प्राप्त हो जाएंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे। शादी विवाह मांगलिक अवसर भी चल रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने की पूर्ण संभावना है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने के पूर्ण योग हैं, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी और सभी कार्य पूर्ण होंगे। आप बृहस्पतिवार का पूजन करते रहें, बृहस्पति का दान करें और नित्य बृहस्पति की पूजा करें। हमारे साथ समय चक्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पंडित जी ने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी और शनि ग्रह के बारे में बताया। शनि ग्रह के जातकों का आने वाला समय कैसा होगा, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।